नमस्कार साथियों, योग ज्योतिष नवनीतम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। योग का सामान्य परिचय भाग 9 का विषय रहेगा मांडुक के उपनिषद के अनुसार जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था का स्वरूप क्या है। ये चेतना की चार अवस्थाएं हैं तीन, और इनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस श्रृंखला में। पहला प्रश्न जो आ रहा है, मांडुक्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से। मांडुक्य उपनिषद का नाम कैसे पड़ा, ये प्रश्न भी आ सकता है। मांडुक्य ऋषि के नाम पर ही पड़ा है। अगला प्रश्न, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार जागृत अवस्था का स्वरूप स्पष्ट करें। ये जागृत अवस्था जो क्या है, मांडुक्य उपनिषद अनुसार ये कही गई है, जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोन विंशति मुख स्थूल भुग वैश्वना नर प्रथम पाद आगम प्रकरण में ये कहा है। भावार्थ ये है, जब तुम जागते हो तब बाह्य विश्व में तुम्हारी समानता होती है, तब तुम अपनी इंद्रियों से स्थूल पदार्थ भोगते रहते हो, तब तुम अपने 7 अंगों और प्रत्यक्षीकरण के 19 द्वारों का उपयोग करते हो, तब तुम्हारा अपना स्थूल शरीर होता है। ये वैश्वानर आत्मा का प्रथम अंश है। यानी इस प्रकरण में हम आत्मा के जो चेतना की अवस्था हम पढ़ेंगे, जो आत्मा के 3 मुख्य अवस्थाएं बताई हैं, चतुर्थ अवस्था तुरी अवस्था वो यहाँ हम चर्चा नहीं करेंगे, वो स्वतः अंतिम आनंद अवस्था है। तो अगला प्रश्न इसमें आता है, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार स्थूल पदार्थ, जो आपने अभी पढ़ा स्थूल पदार्थ क्या है, ये 7 अंग है, जिसमें मस्तक है, 2 आंखें हैं, नाक है, मूत्र है, पिंड, 2 पांव, ये 7 जो हैं आपके स्थूल जो है 7 अंग में आएंगे, ये स्थूल पदार्थ हैं। स्थूल पदार्थ यानी बाह्य जो आंखें जो भी किसी को देखती है, ये सभी स्थूल पदार्थ में आते हैं, तो इनका भोग भोगने के ये साधन हैं। अगला प्रश्न बनता है, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार स्थूल पदार्थ भोगने के लिए किन 19 द्वारों का उपयोग किया गया है? 19 द्वार जो हैं वो है 5 कर्मेंद्रियाँ आपकी, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, 5 प्राण हैं, मन बुद्धि चित्त तथा अहंकार, ये कुल 19 द्वार हैं। इनके माध्यम से हम बाह्य जगत का स्थूल पदार्थों का भोग भोगते हैं। अगला प्रश्न आता है, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार स्वप्न अवस्था का क्या स्वरूप है, स्पष्ट करें। स्वप्न स्थानो अंत प्रज्ञ सप्तांग एकोन विंशति मुख प्रविवक्त भुक्ते जसो द्वितीय पाद। द्वितीय पाद यानी द्वितीय अवस्था क्या कही, ये तेजस अवस्था बताई स्वपन अवस्था की, आगम प्रकरण का चतुर्थ अंक है ये। भावार्थ ये है, जब तुम स्वपन में होते हो तब तुम्हारी सारी क्रियाएं केवल मानसिक ही होती हैं, तुम्हारी जागृत अवस्था की तरह इस अवस्था में भी वे 7 अवयव और 19 द्वार तो रहते ही हैं, परंतु इस अवस्था के तुम्हारे अनुभव तो मानसिक स्तर पर ही होते हैं। ये मानसिक अनुभव ब्रह्म का दूसरा अंश है, ब्रह्मा जी का ये दूसरा अंश है, ये अंश स्वप्न अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस समय तुम्हारा आत्मा अंतःकरण में रहता है एवं अकेला ही होता है, इसे तेजस कहा गया है। इसकी संज्ञा क्या दी गई है, तेजस की। जो पहला जो था जागृत अवस्था की संज्ञा, विश्व रूप संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न बनता है, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार सुषुप्ति अवस्था क्या क्या स्वरूप है? सुषुप्ति अवस्था और जागृत अवस्था का बीच का जो एक अवस्था आई वो है स्वप्न अवस्था, ये गहन निद्रा की अवस्था सुषुप्ति अवस्था। इसमें कहा उत्तर इन्होंने, यत्र सुप्तो न कश्चन कामम काम्यते न कश्चन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम। सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एवानंदमयो हयानंद भुक्त चेतो मुख प्राग्यस्तृतीय पादः, अर्थात आगम प्रकरण का ये 5वां है। भावार्थ में आएगा, जब तुम गाढ़ निद्रा में होते हो तब तुम्हारे मन में कोई अच्छा नहीं रहती, यानी इच्छा नहीं रहती, कोई स्वप्न भी नहीं होता, इसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं।
तब तुम केवल अद्वैत को ही देखते हो, चैतन्य घन के शिवा तब तुम नहीं हो, कुछ नहीं होता। तब तुम केवल आनंदमय और आनंद भोगने वाले ही होते हो, मानो तब तुम चैतन्य की ओर अग्रसर हो रहे हो। यह ब्रह्म का तृतीय अंश है, इसको प्राज्ञ कहा जाता है। इसको क्या कहा गया है? प्राज्ञ कहा गया है। ये चेतना की तीसरी अवस्था है जो सुषुप्ति अवस्था के अंदर न आती है। अब आता है गौड़पाद कारिका के अनुसार अवस्था त्रय का स्वरूप स्पष्ट करें। अवस्था त्रय का स्वरूप निम्नवत है। बहिष्प्रज्ञो विभुर विश्वो हयंत प्रज्ञस्तु तेजस घन प्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृत। गौड़पाद कारिका का पहला, यानी ये गौड़पाद जो है, आप ये आदि शंकराचार्य जी के जो गुरु हुए हैं उनके भी गुरु हैं ये गौड़पाद। गौड़पाद गुरु के भी, आदि शंकराचार्य जी के विश्वपाद जो रहे हैं उनके गुरु गौड़पाद हुए हैं। तो उन्होंने इन्हीं मांडुक्य उपनिषद के ऊपर विस्तार से थोड़ा और कारिकाओं के माध्यम से सरल रूप दिया है इनको समझाने की दृष्टि से, तो ये आप देखेंगे। तो इन्होंने कहा अवस्था त्रय स्वरूप में बहिष्प्रज्ञो विभुर विश्वो हयंत प्रज्ञस्तु तेजस घन प्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृत। गौड़पाद कारिका एक कहा जागृत अवस्था। जागृत अवस्था उसे कहते हैं, जागृत अवस्था में बाहर की दुनिया का हमें जब ज्ञान होता है तब हम विश्व कहलाते हैं। ये प्रथम अवस्था है। ये शरीर की कौन सी अवस्था है? प्रथम अवस्था। और हम विश्व कहलाते हैं जब दुनिया का बाहर जगत से हम जुड़ते हैं। दूसरा, जब हम स्वप्न में होते हैं तब हमें भीतर मन का ही भान अनुभूति होता है, तब वह तेजस कहलाते हैं। ये हमारी दूसरी अवस्था है। तब हम क्या कहलाते हैं? तेजस। और ये हमारी आत्मा की दूसरी अवस्था है जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं। तीसरा आता है, उसी तरह जब हमें भान तो होता है पर हमारा कोई भीतर बाहर का कोई विषय नहीं होता और हम केवल गाढ़ संभावना वाले ही होते हैं, तो तब हम प्राज्ञ कहलाते हैं। ये हमारी तीसरी अवस्था है। परंतु इन तीनों अवस्थाओं में विभु यानी व्यापक जो आत्मा है तो एक ही होता है, भले ही वह तीन अलग अलग स्वरूपों में दिखाई देता हो। आप समझ गए होंगे, ये आत्मा की तीन अवस्थाएं हैं। वह जब बाह्य जगत से संपर्क में रहता है तो विश्व कहलाएगा, जब स्वप्न अवस्था यानी जागृत अवस्था का ही एक निद्रा में जो उसको बिना निष्क्रिय भाव से देखता है वो तेजस अवस्था कहलाता है, और तीसरा जब गहन निद्रा में अवचेतना अवस्था में रहता है, चेतना अवस्था में नहीं अवचेतना अवस्था में जब रहता है तो वो सुषुप्ति अवस्था में जाएगा, यानी वो आपकी प्राज्ञ अवस्था है। और प्राज्ञ के अंदर उसके बाद आपको तुरी अवस्था आनंद की अनुभूति होती है, फिर तुरीयातीत अवस्था भी कही गई है। इस तरह से ये मांडुक्य उपनिषद के अंदर तीन प्रकार की अवस्थाओं का विशेष चर्चा की गई है। और साथ ही ध्यान रहे, मांडुक्य उपनिषद जो है सभी उपनिषदों का सबसे छोटा उपनिषद है। और ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। इसी तरह से आपका ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अच्छा लगे तो शेयर किया करें। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।